कई दिना तो कांग्रेस पार्टी नू कांग्रेस सरकार नू बदनाम करने वास्ते तरह तरह के हठकंडे अपना रहे और पहली गल कांग्रेस पार्टी ये क्लीयर कर दी है कि कांग्रेस किसी भी दोषी नू डिफेंड नहीं करेगी, कानून अपना काम करेगा। और आज वो लोग खास करके बिक्रम सिंह मजीठिया जी आज उतावले हुए फिरते हैं, जिन्हों का जुल्मां दे इतिहास दे विच गिनी बुक रिकॉर्ड च ना दर्ज है, और जिन्हों ने जुल्म करन दी पीएचडी की हुई है, और उन्होंने इन्ने जुल्म किए हैं कि उन्होंने दास्तां अगर करन लगी है तो इस गल का फैसला किया है कि अकाली दल बीजेपी ने जिन्ना भी जुल्म किया है उन्होंने जुल्म का एक एक हिसाब हर हफ्ते एक एपीसोड कांग्रेस पार्टी जारी करेगी और हर हफ्ते इन्होंने गुनाहों तो पर्दा उठाएगी कि इन्होंने किन्ने गुनाह किए हुए है और इन्होंने किन्ने अजिहे काम किए हुए है। और मैं एक गल लाली मजीठिया जी दे इलाके दे विच जिहड़ा एपीसोड होया उस नूं लैके तरह तरह दीआं गलतफहमियां पैदा करन दी कोशिश की जा रही है। मजीठा हलका पूरे दा पूरा बिक्रम मजीठिए दे जुल्मां दी दास्तां कह रहा है, जिहड़ा कि लाली मजीठिया जी इस मामले च क्लीयर सारियां चीज़ां तुहाडे सामने लैके आणगे। और असी बड़ा स्पष्ट तौर दे उपर यह गल कहना चाहते हैं कि किन्ने जिलों के अंदर जिन्ने झूठे परचे, जिन्ने 452 के परचे, जिन्ने रेप और मर्डर के परचे इन्हां दे टाइम ते दर्ज होए और इन्हां दे अकाली दल के बीजेपी के वर्करां ने बहुत सारे लोगों उत्पीड़न किया, पुलिस का एक इतिहास रचिया गया कि जिन्हें 10 साल ये पंजाब दे विच जुल्म होए आ शायद बाकी जुल्म किसी भी स्टेट दे विच होए होन। और कांग्रेस पार्टी नखेधी करती है इस गल दे वास्ते कि को जड़े लोग अज वो सियासी रोटियां सेकन की गल करते हैं, मैं बार बार कह रहा कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गाँव में दया धर्म की बात करे मजीठिया बैठ के भरी सभाओं में, आज उन्होंने ने जिन्ने जुल्म किए हुए हैं, जिन्हिया कहानियां लिखिया हुई हैं, अज केड़े मूह के नाल आके ये गल्लां करन दी कोशिश कर रहे हैं। और इन्हों एक एक चीज़ का जवाब दिता जाएगा, कांग्रेस पार्टी एक एक गल का जवाब देगी, एक एक इतिहास का जवाब देगी और इन्हों दे एक एक जुल्म प्रेस के सामने और लोगों के सामने लैके आवेंगे। लाली जी जिमें क्या कि जे जुल्मां दी दास्तां जां जाबर दी दास्तां एक आम व्यक्ति दे विरुद्ध या दलित परिवारां दे विरुद्ध जे अकाली बीजेपी दी और विशेष तौर पर बिक्रम सिंह दी लिखण लगी है तो मेरा ख्याल है कि इहदे ते 100 PhD दा थीसिस लिखा जा सकदा। मैं इत्थे किसी गलत शख्स नूं डिफेंड करन लई इंडियन नैशनल कांग्रेस जां साडी लीडरशिप नहीं बैठी, क्योंकि मैटर शड्यूल्ड कास्ट कमीशन दे कोल रिपोर्ट हो चुकी है और जो तुहाडे चैनल दे माध्यम तो सानूं पता भी लगा कि इस मैटर ते सिट भी बन चुकी है, जिहड़ा मजीठे दा स्पैसिफिकली केस रैफर किया गया और इहदे च जिहड़े कोई बंदे शामिल ने जिन्हां दा जिन्ना दोष आ ये पहला भी कहा गया लीडरशिप वालों और कांग्रेस पार्टी उन्होंने पूरा न्याय देगी। और नाल दी नाल मैं एक बेनती करनी चाहना
कि वो लोग जिन्होंने स्टेट टैररिज्म परपेट्रेट किया, पर्टिकुलरली जिहड़ियां शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज ने गरीबां दे विरुद्ध, वो लोग अज जदों एथिक्स की गल करते हैं तो बड़ी हासोहीणी आ। एक वो शख्स जिहदे कोल एक शेड्यूल्ड कास्ट माता आके आखे कि मेरा पुत कतल हो गया, तो उन्होंने जवाब अगों ये मिले कि जे तेरा किसी होर नूं कर दिंदा फिर भी मैं समझौता ही करवाउणा ही, हुण तू समझौता कर ला। तो उन्होंने वह एक एजेंट उतों कढ़ दे भी इतों निकल जा धक्के मार के उस माता नूं, वो भी अज इत्थे आई आ। और नाल दी नाल बग्गे पिंड दे दलित बरादरी दे मैंबर जिहड़े पंचायत दे ने वह भी इत्थे ने, उहदा चश्मदीद गवाह उस इशू का भी इत्थे आ। क्योंकि जदों ये मैटर सब जुडिस है तो मैं ये बारे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नंबर दो, इत्थे वह भी शख्स आया जिहड़ा ब्लॉक समिति का मैंबर आ और उन्हें घरों चुक के इहदा एक बदमाश आ बलबीर सिंह चंदी उर्फ बली जिन्हों इन्हें मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया, उन्होंने घरों चुक के उत्ते 452 का परचा जिदन पहले दिन बिक्रम MLA जितया 2007 च उदन बनया सी। एक होर साथी आ हुण साडी गवर्नमेंट बनने तो बाद साथी इहदे अकाली दो आपस दे विच लड़े और उन्होंने लड़ाई चो हटाउंदा हटाउंदा उहदी बांह तोड़ती गई तो उल्टा परचा भी 26 का उत्ते दर्ज करता गया। और जिहड़ा उस वेले SHO ने की कहा तुसीं उहदे को खुद पुछ सकते हैं। इस तों अलावा होर मैं जे बयान करन लगा तो बड़िया लंबियां दास्तान ने। और साढ़े नाल वो साथी आए आ जिन्हां दे कोलों खोह आई परचे दर्ज नहीं होए, जिन्हां नूं सट्टां लगियां परचे दर्ज नहीं होए। एक कोई शख्स आ नहीं सकिया, उहदी हैल्थ इन्नी माड़ी आ, उहदा हरदेव सिंह नां आ गल वाली उहदा पिंड आ, उहदा सिर्फ एक ही कसूर सी कि वह ब्लॉक समिति का इको मैंबर जितया सी 2007 दे विच दलित बरादरी का ही, और 150 एकड़ जमीन लैके उत्थे उन्हूं ठेके ते वाह रहा सी। उन्होंने उन्हें 3 वारी 26 के परचे चंदर किया, कहिंदा सी कि तू अकाली दल ज्वाइन कर ला, जदों उन्हें मना किया उन्होंने 3 वारी अंदर रख्या गया। उतों ही वो एडिक्शन उन्होंने ड्रग एडिक्शन शुरू हो गई जिहड़ी ये खुद करवा रहे ही, और उस तो उपरंत तो इन्ने वड्डे घाटे च चल गया कि सीरीयस डायबिटिक पेशेंट और नाल दी नाल वो बंदा जिहड़ा अज वो इत्थे नहीं आ सकिया अमृतसर सी प्लस नूं भी उन्होंने जिहड़ा मिलाया सीगा। सो वो लोग मैं कहिंदा छज ते बोले छाननी नूं नहीं बोलना चाहिदा। वो शख्स जिहदे नां तों मजीठे हल्के दे लोग अज जदों लागों की लंघन लगे मजीठे हल्के उदों दे लोग इहदी जान दे प्यासे घूम रहे ने। कांग्रेस को इहनूं खतरा कोई नहीं, कांग्रेस तां इहनूं बचा रही आ। अज जे इहदी सिक्योरिटी विदड्रॉ हो जाए तो मैं नहीं महसूस करता कि अपनी कोठी तों बाहर जा सकता, जो कुछ उहनें पंजाब दे लोकां नाल विशेष तौर पर माझे दे लोकां नाल। ते जे होर टू बी मोर प्रिसाइज जे आपां मजीठे दे लोकां नाल गल करिए ते जो कुछ पिछले समें च होया, जो तशद्दुद असीं अपने पिंडे ते सहया बतौर उत्थे कांग्रेसी और इतों तक ईवन अकाली जिथे अकाली दलित नूं दूजे कह लो कि अपर कास्ट के दलित ने मारता, उन्होंने घर अफसोस करन तक नहीं गए। और इतों नाल इहदे नाल मेरा ख्याल है मेरे कोल इत्थे इन्ने साथी मेरे नाल दलित बरादरी दे अमृतसर तों आए आ, तुसीं उन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं अपने लैवल ते पुछ लो। और इस इशू के बारे मैं कुछ होर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जिहड़ी ये मैं कहनी चाहूँगा बेसिक गल इस वेले की आ कि इन्हें मेरे परिवार से मेरे साथियों से साडे एजुकेटड बच्चों से उन्होंने सिर्फ गलत परचे दर्ज नहीं किए, समय समय अनुसार 10 साल के अं थोड़े नाल विचार सांझे करते रहे। अज इहनूं लोड़ क्यों पई आ, अज इहनूं लोड़ इस करके पई आ, यह महसूस करता सीगा कि मैं वेंडलेटा के नाते शायद अपने नाल 13 माफिए जिहड़े चला रहा जिहड़े अज भी थलड़े पद्धर से, क्योंकि अभी समा लगना साडा जिहड़ा सिस्टम है जिहदे च इंट्रेंच्ड आ जिहदे च रलगाढ़िया बिक्रम इहदे उन्हां लोकां नूं कढ़न दे लई, और जिथों उपरों जिहड़े ऑफिसर जिहड़े गवर्नमेंट ने बदले आ थल्लों सपोर्ट ना मिलने करके जिहड़ियां कोई माड़ियां मोटियां कमियां पेशियां रह रहियां ने उन्हां तों डरदा। इहदे 13 माफिया दे विच इहदा कोई साथी नहीं जिहड़ा इनवॉल्वड नहीं। इत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह इंडियन नैशनल कांग्रेस साडा क्लीयर कट एजेंडा, असीं किसी वेंडेटा दे विच ना इनवॉल्वड ना होवांगे। हाँ ये जरूर आ कि जिन्हां लोकां दे नाल 10 साल बेनियाई होई आ, जिन्हां लोकां दीआं इज्जतां उछालियां गईआं, जिन्हां लोकां नूं फिजिकली अकाली गुंडियां ने टॉर्चर किया, जिन्हां लोकां नूं जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि असीं यह एपीसोड इंडियन नैशनल कांग्रेस शुरू करन जा रही आ, एक एक साथी दे नाल जिहड़ी ज्यादती अज इत्थे
कुछ लोग क्योंकि जो पता लगा कि इंडियन नैशनल कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बादल साहब के अगले पिंड के लोग भी इतने आए हैं, इतने सारे पंजाब के जितों जितों जिन्ने लोग प्रभावित ने सारे आए हैं। और मैं फिर दोबारा कहना चाहना कि सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह तो पता उन्होंने की किया, वो तो चुप करके बैठे ने, पर यह शख्स सिर्फ चीची नूं खून ला के शहीद बनना चाहुंदा, वो असीं बन नहीं देवांगे। और नाल मैं गल कहनी चाहुंदा कि साडे साथियां दा जिहड़ा अन्याई होई आ उहनां नूं अंडू करना साडा फंडामेंटल जिम्मेवारी आ और साडा हक आ, उहदे तों असीं एक इंच पिछे नहीं होवांगे। और तुसीं उहनां जिन्नियां बरादरी जिन्ने इत्थे वह दलित भाईचारे नाल संबंधित लोग आए ने, तुसीं उहनां नूं मिलना चाहो, कल्ला कल्ला तुसीं उहनां नूं आप मिल के उहनां कोल इनक्वायर कर सकदे जी की कुछ उहनां नाल होया। तीन तीन साल परचे दर्ज नहीं होए। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, 7 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 7-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਏ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆਗਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NISIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਰਗਨੇ, ਇਸ ਸਰਗਨੇ ਦੇ ਉਹ ਆਕਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੜਕੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ASI ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 65% ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਮਸ, ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਟ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂ ਮੈਨ ਮੇ ਬੀ ਐਨੀ ਬਿਗ ਬਟ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਸਟੂਅਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक करोड़ तो लैके 4 करोड़ रुपया सरपंचा नू दे के उन्होंने बदमाश बनाया गया। पिंडा दे विच मजीठे हल्के च मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चंडीगढ़ के मीडिया नू तुसी एक भी आओ तो आ के देखो कि जिहड़ा एक मीडिया हाइप दित्ती गई कि पता नहीं मजीठे च कि डिवेलपमेंट हुई आ, रोड्स नैटवर्क कोई नैटवर्क लै लो, उतों के स्कूलों की हालत लै लो, जे तुहानू कितें पंजाब नू वधिया लगे तो सारे पंजाब दे नालों वध लंबी जलालाबाद और वजीठा इतने जो ग्रांट्स ने उन्हों का हिसाब जिदन लिया इन दे सारे उन्होंने भी कलू इन्हें कहने जी वेंडेटा हो रहा, जिते सरपंचा सीधे अपने अकाउंट क्रेडिट कर लिये उन्होंने भी कलू वेंडेटा कहेगा। जेडे माँ को न्याय मिलना कि वह पुत मर गया, जिदन इनक्वायरी हो के ये बंदे जिन्होंने उन्होंने डेड बॉडी डिस्पोजल्स कीतियां जिदन उन्होंने परचे दर्ज होने उदन इन्हें कहना जी बहुत वेंडेटा हो रहा। यह वेंडेटा नहीं हो रहा, मजीठे हल्के लोगों को न्याय मिलना है जिहड़ा सिस्टम ने देना। मैं गल कह रहा सी, मैं कलैरीफाई करना चाहुंदा कि ये कोलों तो ये साथियों को समाज में तो हर बंदे को खतरा, जिदा लाली मजीठिया भी एक पार्ट आ, इनू ना लाली मजीठिया को ना किसी होर को खतरा। लाली मजीठिया यदि वगू 57 गैंग्स का जन्मदाता तो मेन सरगना नहीं। लाली मजीठिया MSc एग्रीकल्चर PAU लुधियाना तो लॉ पिछले साल चंडीगढ़ तो किया, एम एन अकैडमीशियन, तो यदि भी बैकग्राउंड पुछ लो कि आ। मैं बेनती करनी चाहना कि साढ़े तो इस वेले वो ये ना गल करे, ला इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जे किसी ने दलित ना जाति की इनकुआरियां होनगियां, SC कमीशन तो इन्हों का बनाया ना, स्टेट SC कमीशन इन्हों ने कॉन्स्टिट्यूट किया, भी केस ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी है, केस उन्होंने कोल आ। सो सब कुछ है, जो उत्थे न्याय होगा होएगा, जे कोई वो कांग्रेसी इनवॉल्व होएगा तो हील बी डेल्ट बाय विद द लॉ, डेल्ट विद बाय द लॉ। जी देखो मैं गल कह कि जाति कोई भी करे वो मुजरिम है। असी किसी भी तरह के नाल इना बदलाखोरी तरीके दे नाल सहमत नहीं होंगे, और मैं पहले ही कहा कि कानून अपना काम करेगा। और दूसरी गल ये है कि जड़ी तुसी एक गल पूछी कि भई जड़े हुण इन्हां ने इन्ने झूठे परचे दर्ज किए सीगे जां जिन्हां नाल जातियां होईयां उन्हां दे प्रति जड़ी हैगी आ ओह की उन्हां नूं इंसाफ किदां मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो दे अंदर ये बड़ा स्पष्ट किया सीगा भई जड़े झूठे परचे दर्ज होए आ और जेलों दे विच अज भी ड्रग मामले दे अंदर दोषी भी हैगे आ और निर्दोष भी जिन्हों के उपर बदलाखोरी के परचे दर्ज किए गए अज वो भी है वास्ते जड़ा है हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब की अध्यक्षता च कमीशन मुकर्रर किया है। इस तो इलावा ये डिफरेंट केसां नू लैके जिहड़ी है वो अगर कंप्लेंट सामने आउंदी है तो ये पंजाब सरकार उहदे लई डिफरेंट सैपरेट जिहड़ी है सिट भी बनाएगी और उन्हां दे कार्रवाई भी अवश्य करेगी।